एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक अलेपुर धामपुर में स्थित नरुल्लापुर चीमा गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 5 किलोमीटर है तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 45 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने यश कुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 1500 की आबादी एवं 1450 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में 400 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 90 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 32 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 5 हैंडपंप रिबोर कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 50 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जतघरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। यश कुमार प्रधान, पंचायत नरुल्लापुर चीमा से हूं। हमारे पंचायत में जो भी योजनाएं राज्य वित्त की या चौधरी वित्त की आती है, हम उनको बड़े सोच समझ के सही निर्णय लेकर लगाते हैं। और मेरी पंचायत भली 3 मजरे हैं, लेकिन छोटी पंचायत होने के कारण गांव में विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो इस समय ग्राम प्रधान का मानदेय है वो बहुत ही कम है। मानदेय अधिक से अधिक प्रधान का होना चाहिए ताकि वो अपना परिवार सुचारू रूप से चला सके।